दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय हीरा बैंकेट हॉल फुली एयर कंडीशनर एट सैयद अली चबूतरा नियर शाहगौस होटल। और सारा देश में बहुत प्रोवोकेशन हो रहा, क्रिएट हो रहा, ऐसा हमारा शहर में नहीं होना, तेलंगाना में भी नहीं होना बोल के हम कोशिश करके ये पूरा निकाले। आज हम सब यहाँ पर जमा हुए हैं पीस रैली के लिए, पीस और यूनिटी के लिए, और हम हिंदुस्तानी, हम तेलंगाना के वासी, हम सब यही संदेश देना चाहते हैं कि सभी धर्म को मानने वाले सभी मर्द औरत सब हम एक हैं। हम में आपस में अगर कोई मजहब के नाम पर लड़ाने की कोशिश करेगा तो हम नहीं भड़केंगे, हम नहीं डरेंगे, हम लड़ेंगे अपने हक के लिए, लड़ेंगे हम अपने हक के लिए लड़ेंगे, हमारे हिंदू भाई बहन के हक के लिए भी हम लड़ेंगे। और हमारे आज आप देखते हैं यहाँ पर कितने हिंदू भाई बहन जमा हुए हैं हमारे हक के लिए लड़ने के लिए, माइनॉरिटीज के हक के लिए लड़ने के लिए। इस कंट्री में माइनॉरिटीज का प्रोसिक्यूशन हो रहा है, वो अब नहीं चलेगा, ये होने नहीं देंगे। देश जाग चुका है, देश की GDP नीचे जा रही है, देश की इकोनॉमी पूरी नीचे जा रही है, लोग भूखे मर रहे हैं, और आप लोगों को हिंदू मुसलमान करके लड़ा रहे हैं, ये होने नहीं देंगे। रामनवमी के जलसों में हम शरबत पिलाएंगे, पानी पिलाएंगे, और मौके के जलसे में हिंदू भाई हमारे शरबत पिलाएंगे, पानी पिलाएंगे। ये है जमहूरी तहजीब हिंदुस्तान, और इसको नहीं कर सकते। फिर भी है, मस्जिद भी हमारी है, घर भी हमारा है, चर्च हमारा है। खबरदार जो किसी धर्म तरफ आँख उठाकर भी उन्हें देखा। ऑफ जो वेल बींग होता है स्टेट के लिए, जो बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी होता है, ये एक एग्जाम्पल है सारी देश और दुनिया के लिए कि तेलंगाना के वैसे बनिए, ना कम्युनल राइट्स है यहाँ पर, ना आपको डेवलपमेंट में कोई रुकावट है। कोशिश है कि आम जनता जो है उनके दिमाग में एक दूसरे के मजहब के ऊपर रेस्पेक्ट रहना चाहिए, हम मिल के रहेंगे ऐसी भावना उनके दिल में रहना चाहिए। इसको ज़्यादा आगे करने के लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं। ये किसी पॉलिटिकल इरादे से नहीं, लेकिन आम जनता के दिमाग में ये जो शांति और अमन और एकता का जो मैसेज है वो बैठना चाहिए, इसीलिए हमारी कोशिश है। Felt the need to bring out the silent voices in this country. So we have, there are many people who want to live in peace and in unity. So we said we'll make a new platform called Telangana for Peace and Unity. Telangana has 400-500 years of excellent history of not just communal harmony but as a global melting pot. पूरा दुनिया से लोग आते हैं यहाँ और हमेशा खुशी से यहाँ रह के अपना अपना काम करके यहाँ बस गए ऐसे लोग हैं। हम लोग 100 साल पुराने लोगों को अभी बाहर के लोग बोल नहीं सकते। ये सिटी का जो प्रॉस्पेरिटी है वो इन्हीं लोगों से बना है, बाहर से आके बहुत कंट्रीब्यूशन हुआ है, इंडिया में दूसरे स्टेट से आके कंट्रीब्यूशन हुआ है। ऐसे तहजीब को भी यहाँ कायम रखने का ये काम हम लोग लिए। हिंदुस्तान का एक सेक्युलरिज्म ऐसा मुल्क है मैम, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनली ऑल्सो द कंट्री इज कमिटेड टू डाइवर्सिटी एंड सेक्युलरिज्म, एंड वी वांट टू स्टैंड बाय दोज वैल्यूज स्ट्रांगली, एंड वी हैड दिस फीलिंग दैट विद इन द सोसाइटी, लार्जर सोसाइटी, देयर मेनी पीपल हु थिंक लाइक अस। सो वी सेड बिकॉज देयर इज नो प्लेटफॉर्म, nobody is speaking, so we said let's have a platform so that people with this view also